जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम मिक्सर एंड एलिगेशन मिश्रण के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने पिछले सेशन में चार टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं टाइप नंबर 5 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 5। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किसी जगह कुछ मुर्गियां और कुछ कुत्ते हैं। जानवरों की कुल संख्या 200 है। मुर्गियां हैं और कुछ कुत्ते हैं, डॉग्स हैं और कुल संख्या 200 दे रखी है। अगर टांगों की कुल संख्या अगर 520 है, दोनों जानवरों को मिलाकर टांगों की कुल संख्या 520 है तो हमने बताना है कुत्ते और मुर्गियों की संख्या क्या होगी। हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये पहला कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट से हम कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो यहां पर कुल संख्या कितनी दे रखी है, 520 दे रखी है टांगों की। ठीक है, कुल संख्या टांगों की 520 दे रखी है और जानवरों की कुल संख्या 200 से अगर हम इसको भाग कर देंगे तो एवरेज टांगे निकल के आएंगी हमारी 2.6। ये एवरेज क्या आ गई हमारी, लेग्स आ गई, टांगे आ गई एवरेज 200 जानवरों की। ठीक है, देखो ये है मुर्गी और ये है कुत्ते। मुर्गी की कितनी टांगे होती हैं, दो टांगे, और कुत्ते की कितनी होती हैं, चार टांगे, और दोनों 200 जानवरों की एवरेज टांगे कितनी आई हैं, 2.6। इसको हम बीच में लिख लेंगे और एलिगेशन लगा देंगे, चार से ये घटाएंगे तो आएगा 1.4 और दो पॉइंट छह से ये दो घटाएंगे तो ये आएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6। ठीक है, ये रेशियो आ गया मुर्गी का। रेशियो देखो, मुर्गी का 7 आ गया रेशियो, कुत्ते का कितना आ गया, 3। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10 है जानवर। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या कितनी दे रखी है जानवरों की, 200 दे रखी है तो हम इस 10 को 200 के बराबर रखेंगे तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 20। तो यहां पर मुर्गियां कितनी है, 7 है तो 7 को हम क्या करेंगे, 20 गुणा कर देंगे तो 140। में यहां लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहां पर 140 क्या आ गई, ये मुर्गियों की संख्या आ गई। और कुत्तों की संख्या कितनी है, 3 थी, 3 को भी हम 20 गुणा कर देंगे तो 3 × 6 तो 60 क्या आगे, ये आगे कुत्ते, कुत्तों की संख्या है 60। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसेप्ट। 200 कुल जानवर है हमारे पास, समझने की कोशिश करना, कुल 200 जानवर है। ठीक है, मुर्गी की टांगे होती हैं 2। हम मान लेंगे अगर 200 जानवर है, अगर सारे के सारे 200 जानवर मुर्गियां होती तो कितनी टांगे हो जाती, एक मुर्गी की 2 टांगे हैं तो 200 के 200 अगर मुर्गी होती तो 2 से गुणा कर देंगे, मुर्गी की 2 टांगे होती है तो 400 टांगे हो जाती कुल टांगे। ठीक है, अगर 200 जानवर सारे के सारे कुत्ते होते तो एक कुत्ते की कितनी टांगे होती है, 4 टांगे होती है तो 4 से गुणा कर देंगे, 200 अगर कुत्ते होते सारे तो 800 टांगे निकल के आती। अब क्वेश्चन में दे रखा है 520 है टोटल टांगों की संख्या, यहां पर लिख लेंगे 520 बीच में और इससे ये माइनस करेंगे, 520 से 400 ये आ जाएगा 120, 800 से 520 ये आ जाएगा 280, 0 से 0 और इसको काटेंगे ना ये कितना हो जाएगा, 7:3 में आ जाएगा। ठीक है, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। देखो सेम यहां से भी आंसर हमारा ये निकल के आ रहा था, यहां से भी यही आएगा, 7:3 में है, दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आई, 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या कितनी है जानवरों की, 200, 200 के बराबर रख दिया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 20 आ गई। ठीक है, 200 को भाग देकर देख लेंगे 10 से तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर संख्या कितनी थी, 7 थी मुर्गियों की, इसको 20 गुणा कर देंगे तो 140 कितनी आ गई, मुर्गी, और यहाँ पर 20 गुणा कर देंगे इसको तो 3 × 6 = 60 क्या आ गई संख्या, जी आ गई कुत्तों की संख्या। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। हम इनको दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों कंसेप्ट से, इससे भी अच्छा है और इससे भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आए उसे कर लेना। ठीक है, और ये हमने टाइप नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। टाइप नंबर 6 देखो, टाइप नंबर 6 देखो, कुल 100 जानवरों में से कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली कितना खाती है बिस्कुट, 6 बिस्कुट खाती है, और प्रत्येक कुत्ता 5 बिस्कुट खाता है, और बिस्कुटों की कुल संख्या 560 है, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें कितनी होगी। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहला कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट से हम कैसे करेंगे, कुल बिस्कुट कितने खाते हैं, 560 है,
कुल बिस्कुट है 560 और कुल जानवर है 100, 100 से हम भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा 5.6। सभी जानवर एवरेज रूप में क्या खाते हैं, 5.6 बिस्किट खाते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब देखो ये है बिल्लियां, ये है कुत्ते, 6 बिस्किट खाती है बिल्लियां, ठीक है, और कुत्ते खाते हैं कितना, 5 बिस्किट। एक बिल्ली 6 खाती है बिस्कुट और कुत्ते 5, एक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है, दोनों मिलकर एवरेज कितने खाते हैं, 5.6। यहां पर हम बीच में लिख देंगे 5.6, ऐसे एलिगेशन लगा देंगे, 6 से इसको घटाएंगे तो 5.6 से 5 घटाएंगे तो यह आएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 + 6 = 2 × 4 बिल्लियां और कुत्ते उनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा हमारे पास 3:2। 3 और 2 = 5 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल संख्या जानवरों की 100 है तो 5 को हम 100 के बराबर रखेंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 और यहां से बिल्लियों की संख्या 3:8, इसको हम क्या करेंगे 20 गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 × 60। बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है, 100 में से 60 है और यहां पर 2:1 कितना आया, कुत्तों का आया, इसको 20 गुणा कर देंगे तो कितना आया 40। बिल्ली कितनी है 60 है और कुत्ते कितने हैं 40 है, यहां से हम निकाल लेंगे आंसर। अब देखो दूसरा कंसेप्ट से हम इसको कैसे निकालेंगे, कुल जानवर कितने हैं, कुल जानवर दे रखे हैं 100, बिल्ली 6 बिस्कुट खाती है, हम मान लेंगे अगर ये 100 जानवर हैं, 100 के 100 अगर बिल्ली होती तो कितने बिस्कुट खा जाती है, एक बिल्ली 6 खाती है तो 100 की 100 बिल्ली होती तो 600 बिस्कुट खा लेती। अगर ये 100 के 100 कुत्ते होते और एक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है तो कुल 500 बिस्कुट खा जाते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बिस्कुट खाते हैं, टोटल 560 है बिस्कुटों की संख्या, हम यहां पर लिख लेंगे बिस्किट कितने हैं 560 है, यहां से 600 में से इसको घटा देंगे आया 40 और 560 से 500 घटाएंगे तो आया 60। यहां से हमने रेशियो निकाल लिया 20 + 60 और 20 × 40, बिल्लियों और कुत्तों का जो रेशियो आया है वो आया है 3:2, टोटल जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानवरों की संख्या 100 है, हमारे अकॉर्डिंग 5 है, 5 को 100 के बराबर रखेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। यहां पर बिल्लियों का अनुपात कितना है 3:100, इसको भी 20 गुणा कर देंगे तो 20 × 60 और यहां पर इसको गुणा करेंगे 20 गुणा कुत्तों की संख्या आ जाएगी 40। देखो यहां से भी हमारा आंसर सटीक आया है, 60 बिल्ली है और 40 कुत्ते हैं और इस दूसरे वाले कंसेप्ट से भी, सेकेंड कंसेप्ट से भी हमारा क्या आया है, सेम आंसर आया है, बिल्लियों की संख्या 60 है और कुत्तों की संख्या कितनी है 40 है। बिल्कुल ध्यान से समझना है अच्छे से और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने टाइप 6 कंप्लीट कर लिए हैं, अगले सेशन में टाइप नंबर 7 से शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।